हेलो हेलोन वेलकम टू माय न्यू वीडियो इस वाले वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से बेसिसी कंप्लीट करने वाले हैं अभी तक हम एसिडिटी पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं जहां पे दो वीडियोस थी जहां पे ऑर्थो इफेक्ट एस सॉरी एस साथ में आपके पास जो स्टेड इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस के एप्लीकेशन साथ में आपके पास प्रॉपर तरीके से काउंटर रेजोनेंस क्रॉस कॉन्जुकेशन विद सो मेनी क्वेश्चंस पता नहीं कितने क्वेश्चंस सौ से ज़्यादा क्वेश्चंस किए होंगे हमने विद जेई एडवांस पी वाई क्यूज ऑल्सो वो हम कर चुके हैं ठीक है अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जो हमारे पास है बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको पता होगा कि बेस क्या होता है अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बचपन से याद करो तो अगर मैं एक एच लेता हूँ एंड उसको मैं एन एवेज के साथ रिएक्ट करूं तो इस रिएक्शन में दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है इ रिएक्शन होगा तो हमारे पास बन क्या जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर ये तो आप पढ़ चुके हो ना बचपन से तो बेसिकली ये होता है एसिड ये होता है बेस अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑर्गेनिक में ये सब नहीं होता बिकॉज ऑर्गेनिक में हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उस प्रकार से ठीक है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट होते हैं लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए समझाने के लिए आसान रहता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो एसिड बोलने का मतलब क्या होता है तो पिछले से पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो एच प्लस दे सकता है सिमिलरली बेस बोलने का मतलब होता है कि वो माइनस दे सकता है ओ एच माइनस दे सकता है ये बिल्कुल सिंपल क्लास सिक्स सेवन्थ लेवल के फंडे हैं अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमें यह समझ आ रहा होगा क्या समझ आ रहा होगा कि बेस के पास कुछ देने के लिए होता है समझ आ रहा है क्यों बिकॉज एच सी एल जो है मतलब जो एसिड है मेरे भाई उसके पास लेने के लिए कुछ है तो उसको देने वाला चाहिए तो देने वाला होता है बेस तो ऑर्गेनिक में हम कैसे देते हैं जैसे लोन पेयर नेगेटिव चार्जेस उसी प्रकार से तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ध्यान से देखू तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक बेस ले लिया जिसका नाम है अमोनिया एंड इसके डेरीवेटिव एंड भी बहुत सारी क्वेश्चन जो हम करेंगे तो जो अमोनिया है उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट हो रही है तो ये 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 लोन इस एसिड को देगा ये लेगा, ये देगा बिकॉज़ लेगा सीधा फंडा है तो हमारे पास बन के आ जाएगा एक इस केस में जैसे एन एच फोर प्लस बेसिकली सॉल्ट बन के आ जाएगा समझ आ रहा है बस यही होता है बेस अभी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे तो बेस हो गया ये ये हो गया एसिड तो जैसे एसिड वाले का जो भाई होता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस बिकॉज उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बेस का भाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड क्या आपको समझ आ रहा है कॉन्जुगेट एसिड क्यों बोला जा रहा है बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि प्लस चार्ज बन रहा है उस प्रकार से मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड बनता है एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस बनता है एज सिंपल एज दैट अब अगर मैं बात करूं बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के मुझे बताना जैसे हमने एसिडिटी के पहले पेज पे एक डेरिवेशन किया था वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे सोचना चाहो तो आपको क्या समझ आएगा लॉजिकली सोचो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुकेट एसिड बढ़ाता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुकेट एसिड बढ़ाता हूं इक्लिब्रियम कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा Hence, वो हमारे पास बेटर बेस बन के आ जाएगा आया समझ या नहीं आया अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट एसिड बढ़ाता हूं तो जो हमारे पास बेसिसिटी है वो भी बढ़ जाता है आ गया समझ दूसरी चीज जो आप यहां से समझ सकते हो वो क्या है कि अगर ये लोन पेयर जल्दी दे दे अगर ये लोन पेयर जल्दी दे दे तो उसमें जल्दी दिया मतलब रिएक्टिविटी बढ़ी और जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी रिएक्शन जल्दी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो लॉजिक नंबर वन तो हमें समझ आ गया कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जिगेट एसिड बढ़ाऊं तो हमारे पास बेसिसिटी बढ़ जाती है सिमिलरली लॉजिक नंबर टू क्या हो जाएगा अगर अगर ये जो बेस है वो बेटर तरीके से दे दे ठीक है अगर वो क्या बोल सकते हैं उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में टेंडेंसी टू डोनेट इंक्रीजेस ऐसा बोल सकते हैं टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर इंक्रीजेज तो क्या बढ़ जाएगा तो भी हमारे पास बेसिसिटी बढ़ जाएगा तो ये दो फंडे होते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा बेसिसिटी चलता है नंबर वन स्टेबिलिटी बढ़ रही है कॉन्जिगेट एसिड की तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ी इक्लिब्रियम है ना प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ी रिएक्शन जल्दी फॉरवर्ड जाएगा दूसरा फंडा क्या यूज हो सकता है कि अगर लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ रही है रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा दोनों के दोनों फंडे आपके वो समझ आने चाहिए ठीक है तो लिख लीजिए इसको पॉज करके अब अगर हम ध्यान से समझें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डोनेट करने के लिए होना चाहिए और वो डोनेट क्या हो सकता है वो हो सकता है कि वो लोन पेयर डोनेट कर दे या वो हो सकता है कि वो माइनस चार्ज डोनेट कर दे समझ आ रहा है तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा दूं मैं आपको अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री किसी एच थ्री एन एच टू ये देखा समझ आ रहा नहीं आ रहा है एंड बाकी तो हम देखेंगे टाइम के साथ तो अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछना सा दिमाग लगाइए पूछना चाहू पहली बात इन दोनों से सेम आंसर आएगा ठीक है अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो दोनों से मेरे भाई सेम आंसर आएगा लेकिन दोनों में से मैं किसको पर्सनली प्रेफर करता हूं क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे सोचो लॉजिकली बेस का मतलब ही होता है देना इसलिए हम सेकंड वाले को प्रेफर करते हैं सेकंड वाले को प्रेफर करते हैं बिकॉज उससे एक एक्स्ट्रा स्टेप भी बच जाता है ना वरना हर बार आपको कॉन्जिकट एसिड का स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा ठीक है तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो मैं पर्सनली सेकंड वाला प्रेफर करता हूं ठीक है वरना फर्स्ट वाला भी सही है दोनों से सेम आंसर आएंगे इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा दोनों मेथड से फिर मैं दूसरे वाले मेथड को ही फॉलो करने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डाल लीजिए जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन करते हैं कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग उंड ठीक है अब देखो जीओसी जो है ना एसिडिटी वो बस जो पुराना पड़ चुके हो, उन सभी का एक बनके हो रहा है। और कुछ भी नहीं हो रहा है, है। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी अपन को आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है ओके तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा तरीका नंबर वन की आपने इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दिया एच के साथ रियाड करवा के तो यहां से मेरे भाई ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा अगर मैं इसको H प्लस के साथ रिएक्ट करवा दूं तो यहां पे जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो ये बन जाएगा अगर मैं सेम चीज यहां पे करवा दूं तो आपके पास ये बन जाएगा तीनों ही केसेस में रेजोनेंस नहीं है तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए वो बन जाएगा कौन जल्दी एच सॉरी कौन इसको ज्यादा दे रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है ना ये ये देगा यहाँ पे दो ग्रुप्स दे रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई तीन ग्रुप्स दे रहे हैं तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड के रिस्पेक्ट में बात कर कॉन्जुगे तो आपके पास ऑर्डर बनना चाहिए एंड एंड समझ आ गया तो इसलिए जो बेसिटिक ऑर्डर बन जाएगा वो ये बन जाएगा अगर मैं सेम चीज बात करूं आपके सामने फ्रॉम लोन पेयर टेंडेंसी के हिसाब से कि कौन जल्दी देगा कौन जल्दी देगा तो कौन सा वाला जल्दी देगा वो भी आपको दिखना चाहिए देखो इसके ऊपर तीन ग्रुप्स उसको धक्का मार रहे हैं भाई अपनी लोन पेयर दे दे यहाँ पे भाई साहब दो ग्रुप्स धक्का मार रहे हैं कि भाई लोन पेयर बाहर दे दे यहाँ पे मात्र एक ग्रुप उसको धक्का मार रहा है कि मेरे भाई बाहर दे दे अपनी लोन पेयर आया समझ या नहीं आया तो यहां से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर बनना चाहिए दैट इज सी बी एंड ए समझ आ गया अब मैं इसके बाद दोनों तरीकों से सॉल्व नहीं करूंगा आप एज अ होमवर्क करना चाहो तो हर क्वेश्चन में दोनों तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि क्या क्या सही है क्या गलत है है गलत ठीक पॉज करके लिख लीजिए नेक्स्ट नंबर बी पे चलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक भी डालते हैं बीच बीच में आपको दिया गया सी एच थ्री माइनस ओ एच माइनस एफ माइनस एनएच टू माइनस ये दिया गया है ठीक है ट्राई करिए इसको नंबर सी ओ एच माइनस एसीटेड आयन दिया गया है साथ में इथॉक्साइड दिया गया है साथ में ले लेते हैं हर बार ऑक्सीजन के ऊपर डालें है ना सही है ना ये ट्राई करिए अच्छा अगर मैं नंबर सी वाले के बारे में बात करूं तो उसको देख के हमें क्या समझ आ रहा है हमें समझ आना चाहिए कि सी माइनस है ओ माइनस है एफ माइनस है एन माइनस है तो कौन जल्दी तरीके से बाहर हमारे पास दे सकता है किसी H+ प्लस को या किसी भी एसिड को तो अगर आप ध्यान से देखो तो C- माइनस बेस्ट है क्यों बिकॉज कार्बन माइनस हमारे पास जो C है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जल्दी देना चाहेगा इसलिए A इज द बेस्ट बेस फिर एफ ओ एन आपको पता ही है ठीक है बचपन से पता होना चाहिए तो करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा ए डी बी एंड सी अगले वाले में देखते हैं अगले वाले में ओ माइनस है यहां पे भी ओ माइनस है ओ माइनस है सी माइनस है तो पहली बात ओ माइनस के रिस्पेक्ट में सी माइनस तो बेटर देगा ही देगा उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे भाई सी माइनस बेस्ट डोनेटर बन जाएगा अब अगर मैं बात करता हूं ए बी एंड सी में तो ए बी एंड सी में क्या होगा देखिए यहां पे रेजोनेंस हो रहा है लॉजिकली समझो यहां प्लीज हां एक और चीज स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी दो डिफरेंट चीजें हैं इसलिए मैं बोलता हूं पूरा लेक्चर देखो जैसे ये चीज मैंने ओरली बोल दी अब मैं लिखूंगा नहीं मैं तो आपकी मिस हो जाएगी ठीक है तो यहां पे ध्यान से देखो ये स्टेबल जरूर है लेकिन बेटर बेस नहीं है क्यों बिकॉज ये इंटरनली इन्वॉल्व है ना इंटरनली इन्वॉल्व है हमें चाहिए कि वो बाहर दे कौन जल्दी बाहर देगा वो बेटर बेस बन जाएगा तो यहाँ पे ये इंटरनली इन्वॉल्व है तो बाहर कैसे देगा तो ये तो भाई साहब वर्स्ट बेस बन के आ जाना चाहिए आगे समझ कैसे हो रहा है अगर मैं बात करता हूँ बिटवीन ए एंड सी एंड सी तो यहाँ पे तो वेरी क्लियरली प्लस आई लग रहा है तो डी सी ए एंड बी बन के आ जाएगा लिख लीजिए पॉज करके लिख लीजिए इसको करके नेक्स्ट आगे चलते हैं उसके बाद तो फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा होगा नंबर डी हो जाएगा हाँ नंबर डी फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये एन एच टू एनएच टू ये वैसे लीनियर होता है मैंने ऐसे बना दिया है यार ये समझ जाएगा करो ठीक है तो बना देते हैं पहली बार देख रहे तो ये कैसे ऑर्गेनिक ओके ये ठीक है अब अगली बार से लीनियर वीनियर का मैं सोचता नहीं हूँ इतना आपको समझ आना चाहिए भाई फ्लो फ्लो में बनेगा ही बनेगा बेस ठीक है देखो तो दिमाग लगाओ ओके फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है जिस एग्जाम का सक्सेस रेशियो ही लेस देन वन परसेंट है तो आपको लगता है कि आप रट के सक्सेसफुल जाओगे खुद तो सोचो बैठ के दो मिनट क्या बोला है तो रट तो हर कोई सकता है लेकिन दिमाग हर कोई नहीं लगा सकता ओके okay, आइए इसको समझते हैं नेक्स्ट नंबर डी जो रहेगा नंबर डी में वैसे तो बहुत सिंपल है फर्जी क्वेश्चन ही मानता हूं ठीक है क्या हो जाएगा यहां पे पहली बात पहली बात रेजोनेंस यहां भी है रेजोनेंस भी है कलर दिखता है क्या तो लगा होली चल रही है ना स्लाइड पे ओके <laughs> okay, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी रेजोनेंस यहां पे भी रेजोनेंस यहां पे नहीं है तो बेस्ट बाहर देने के लिए कौन बनेगा ये बनेगा ये मेरे भाई बेटर बेस बन के आ जाएगा बेस्ट बेस बन के आ जाएगा अब अगर मैं बी एंड सी में बात करूं तो बी वाले में आपके पास एस पी टू वाला है यहां पे एस पी वाला है तो माइनस आई किसका ज्यादा होता है एस पी टू का माइनस आई एस पी से एस पी का माइनस आई एस पी टू से ज्यादा होगा इसलिए ये कम दे पाएगा इसलिए ए बी बन के आ जाएगा अच्छा नेक्स्ट ये नाइट्रोजन ए है ये नाइट्रोजन बी अच्छा सीए इसको अगर मैं सी बोलूं तो बी एंड सी सेम हो जाएगा इसलिए मैं उसको बोल नहीं रहा हूं ठीक है इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए ई वाले क्वेश्चन को पहली बात बेसिसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए वो देख लेते हैं ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखना बी वाली लोन पेयर रेजोनेंस में है बी वाली लोन पेयर रेजोनेंस में है दिखा या नहीं दिखा ए वाली लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है जान से देखना ए वाली लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है बी वाली लोन पेयर रेजोनेंस में है इसका मतलब क्या है कि ए जो हो जाएगा वो बेटर बन जाएगा बी से अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं ठीक है ये हमने समझ लिया लोन पेयर डोनेटिंग की टेंडेंसी से इस वाले में मैं आपको दूसरा तरीका भी एक बार बता देता हूं ठीक है फॉर एग्जांपल आपने ए का कंजुगेट एसिड बनाया बनाइए तो वो ये बन जाएगा प्रोटोनेशन के बाद आया समझ एंड सेम चीज अगर मैं बी वाले के साथ कर दूं ठीक है ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं एक और बार बिकॉज दोनों तरीकों से सेम आंसर आता है ये प्रूफ करने के लिए वैसे आपकी मर्जी आपको किस तरीके को फॉलो करना है मैं पर्सनली इसको अच्छा मानता हूं डोनेशन uh, टेंडेंसी वाले को ओके okay, ये है देखो भाई दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा अगर मैं ए वाले के बारे में बात करूं तो रेजोनेंस अभी भी है देखो दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में है पहले भी रेजोनेंस दोनों थी अब भी है लेकिन यहां पे रेजोनेंस खत्म हो गई रेजोनेंस खत्म हो गई तो रेजोनेंस वर्सेस नो रेजोनेंस कौन ज्यादा स्टेबल होता है ऑब्वियसली बात है रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन नो रेजोनेंस अगर तो मैं कॉन्जुकेट एसिड की स्टेबिलिटी से भी बात करूं तो भी आपके पास सेम आंसर आना चाहिए इज मोर देन बी आ गया समझ इसको एक और तरीका है समझने का ध्यान से देखो ठीक है यहां पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये वाली, उसके ऊपर दो तरफ से प्रेशर है देने के लिए ये भी तो इसको ऐसे कर रहे तो दोनों लोन पेयर इसको पुश कर रही हैं कि तू बाहर की तरफ दे एंड इस कंपाउंड का नाम होता है क्या नाम होता है ग्वानाडीन आपको किसी भी क्वेश्चन में ग्वानाडीन दिखे या उसका डेरिवेटिव दिखे तो वो हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा क्यों तो ये रीजन तो आपको बता ही दिया यहाँ पे दो रीजन एक और रीजन कि भाई दोनों लोन पर इसको पुश कर रही है दोनों लोन पर इसको पुश कर रही है कि तू तो भाई बाहर की तरफ दे इसलिए उसको देना ही पड़ेगा इसलिए वो खतरनाक बेस बन के आ जाएगा तो आप लिख सकते हो इसके नीचे ग्वानिडीन इज बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस the इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक बेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस किसी भी क्वेश्चन में पहले तो पॉज करके लिख लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको guanidine या उसका डेरिवेटिव दिखा तो आंख बंद करके वो मोस्ट बेसिक बनके आ जाएगा ठीक है आंख बंद करके वो मोस्ट बेसिक बन के आ जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सॉल्व करो एक बार देख लेना बाकी ऑप्शंस को भी तो नहीं है लेकिन आपको फील आ जाएगा कि भाई दो नाइट्रोजन है लॉजिकली समझो ना क्यों याद करने का वारंटी नहीं है वो लॉजिक बता दिए उसको समझो और क्या ओके नंबर ए ये दिया गया है नंबर बी ये दिया गया है सेम क्वेश्चन बेस्ट ऑर्गेनिक मतलब मतलब बेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा इनमें से आपसे पूछा गया है ठीक है और क्या डाल सकते हैं और ये डाल लेते हैं एन ठीक है अब आपकी मर्जी आप कौन से तरीके से फॉलो करते हो प्लीज अंडरस्टैंड वंस वंस अगेन अगेन स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी दो डिफरेंट चीजें हैं सिमिलरली स्टेबिलिटी एंड एसिडिटी भी दो डिफरेंट चीजें हैं ठीक है हजार बार बता दिया अब गलती नहीं होनी चाहिए कुछ लोग स्टेबिलिटी और बेसिसिटी को सेम मान के चल रहे होते हैं फिर वो अटकते हैं अच्छा आइए फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पे आपको दिख रहा है कि लोन पेयर रेजोनेंस में है फर्जी होगी लोन पेयर ये ये बिकॉज इंटरनली है तो बाहर कैसे देगी सिमिलरली ये जो लोन पेयर है उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है कुछ भी नहीं है आराम से वो बाहर दे सकती है ठीक है तो अभी तक के लिए अच्छा दिख रहा है ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है नहीं आपको हजार बार तो मैंने बना के दिखा दिया है कि पी वाले ऐसे बैठे हैं लोन ऐसे बैठी है तो ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा तो रेजोनेंस में नहीं होगा तो ये भी ठीक तरीके से दे सकता है बस यही दिक्कत है कि ये एस पी टू है एंड ये एस पी थ्री है समझ आ गया तो एस पी थ्री जल्दी दे देगा यहाँ पे ये लोन पे रेजोनेंस में है यहाँ पे कुछ भी नहीं है फर्जी है ठीक है लेकिन एस पी थ्री है तो बेस्ट कौन सा बनेगा भाई बेस्ट अगर मैं इन सभी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कौन सा बेस्ट होना चाहिए आपको समझ आ रहा है कि अमोनिया बेस्ट हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर माइनस आई भी लग रहा है तो बेस्ट हमारे पास बन जाएगा ई e then बी ई e then बी अगर मैं बात करता हूँ ए बी सॉरी ए सी एंड डी में नो रेजोनेंस वर्सेस रेजोनेंस ऑब्वियसली नो रेजोनेंस जल्दी बाहर दे सकता है अगर मैं बात करता हूँ रेजोनेंस वर्सेस रेजोनेंस लेकिन यहाँ पे प्लस ही ज्यादा लग रहा है तो रिलेटिवली स्टेबल एन प्लस बनेगा या रिलेटिवली जल्दी वो दे सकता है इसलिए डी मोर देख लीजिए भाई साहब इसको पॉज करके देख लीजिए भाई साहब इसको पॉज करके नेक्स्ट नंबर जी पे आइए नंबर जी वैसे तो मेरे हिसाब से सिंपल ही लग रहा होगा है ना बिकॉज एट द डे आप इसमें कुछ वही है ना हर क्वेश्चन को यूनिक क्वेश्चन मांग के सॉल्व करोगे तभी आपकी चीज सही होंगे तो रट जाओगे कि इसका ऑर्डर ये होता है पी के भी ये होती है पी के ये होता है तो फिर तो मेरे भाई निपट जाओगे ठीक है फिर तो भाई साहब पट जाओगे ओके okay? एंड और क्या डाल दें यहाँ पे पिरिडिन भी डाल देते हैं बस इतना काफी है इसको ट्राई करिए इसको ए बी सी डी ई सेम क्वेश्चन है कि बेसिसिटी ऑर्डर हमारे पास क्या बन के आना चाहिए ठीक है पॉज करिए इसको ट्राई करिए डिस्कस करते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस में है यहां पे भी रेजोनेंस में है रेजोनेंस में है रेजोनेंस में है रेजोनेंस में, है, रेजोनेंस में नहीं है तो पहली बात ई तो जीत जाएगा ठीक है उसके बाद खेल स्टार्ट होगा अब अगर हम बात करते हैं ए बी सी एंड डी में तो बिल्कुल ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से ये वाली लोन पेयर इन्वॉल्व है एरो में रेजोनेंस में तो है ही है साथ में एरो में भी है मतलब अगर ये बाहर अपनी लोन पेयर दे दे और कॉन्जुकेट एसिड बना ले तो क्या कॉन्जुकेट एसिड बनेगा ध्यान से देखिए बना के दिखा देते हैं तो ये बन जाएगा ये कंपाउंड क्या है एंटी एरोमेटिक है अगर ये सोचे तो गलत है ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है भाई आ चुके हैं हम आपको इसमें आई एन सी एच ओ में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है ठीक है ये नॉन एरोमेटिक है बिकॉज ये है उससे हमें इस वाले लेक्चर में मतलब नहीं है तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ना ही रेजोनेंस बचा अब और ना ही एरोमेटिसिटी बचा तो क्या कोई भी कंपाउंड इतना स्टेबल होने के बाद इस अनस्टेबल पोजीशन में जाना चाहेगा कुछ भी नहीं कभी भी नहीं तो ये हो जाएगा भयंकर कम बेस ठीक है यहाँ पे रेजोनेंस में है ठीक है रेजोनेंस में है यहाँ पे रेजोनेंस में है ठीक है यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है रेजोनेंस प्लस एरोमेटिसिटी सेम लॉजिक क्यों कोई कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी लूज करना चाहेगा बेसिसिटी देने के लिए ठीक है आप अपना घर बेचोगे क्या अपने दोस्त को फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट खिलाने के लिए बिल्कुल नहीं ना ठीक है ये तो पागलबंदी होगी या फॉर एग्जाम्पल अपना घर को कोलेटल रख दे रहे हो एजुकेशन लोन के लिए एज एन एग्जाम्पल ठीक है तो वो गलत बात हो जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर आपके पास बन के आ जाएगा इसके बाद सी एंड बी अच्छा ए एंड डी में कैसे सोचेंगे नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन प्लस रिलेटिवली मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव ए इज बेटर देन ठीक है लिख लीजिए मेरे भाई इसको पॉज करके आ गया समझ लिख लेना प्रॉपर तरीके से डी वाले में द लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेस इसमें में क्या हो रहा है रेजोनेंस प्लस एरोमेटिसिटी हो रहा है वो तो कभी नहीं बनना चाहेगा रीजन मैंने आपको दिखा दिया क्यों नहीं बनना चाहिए ठीक है समझ आ गया नेक्स्ट आइए उसके बाद नंबर एच के ऊपर चलते हैं पी वाई क्यू चलो ठीक है नंबर एच थ्री अगर आपने हमारी सीरीज शुरू से फॉलो की है बीच में गेस्ट बन के नहीं आए हो देखने के लिए पूरी देखोगे तभी फायदा होगा इट इज़ लाइक अ क्लास क्लासेज मिस करोगे कब कुछ भी कर लो शॉर्टकट कोई भी काम नहीं कर जेई में सोचो तो ना लॉजिकली आपका कॉम्पिटिशन कितने लोगों के साथ है <laughs> वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी सक्सेस है वन ओके ये है आपके पास दिया गया अच्छा क्वेश्चन सेम है ए बी एंड सी मेहनत करोगे तभी होगा भाई सीधा सा फंडा है और जेई के टाइम पे यही है मेहनत करना ही तो सीखना है भाई वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई जर्नी का जो तो बाकी आपके आगे की लाइफ में भी हेल्प करेगी ठीक है इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन इट टीचेज यू हाउ टू वर्क हार्ड हाउ टू बी स्मार्ट एंड वो चीज़ आपकी आगे, आगे बहुत हेल्प कर ओके ए बी एंड सी में बेटर कौन बन जाएगा क्या पहली बात आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास एक ग्वानाडीन डेरिवेटिव है ध्यान से देखिए ग्वानाडीन डेरिवेटिव है उससे मतलब नहीं वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये लोन पेयर रेजो है कम रेजोनेंस में है सी वाली लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में है तो बी ए सी बन के आ जाएगा ठीक है दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो पॉज करके लिख लीजिए तो पहले दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो जहां पे आपने आपको बताया गया था कि कैसे कॉन्जिकेट एसिड की स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती ठीक है नेक्स्ट नंबर आई ढंग से करना है इसको फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये एस आई आर इफेक्ट याद करिए उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है एस आई आर इफेक्ट याद है ना सभी को बेस्ड क्वेश्चन ओके okay, यहां पे दिया गया है थाइल मिथाइल क्वेश्चंस भी साथ में मतलब आप क्लास में बैठे हो ऐसा मानो ठीक तो है अभी रिजल्ट साथ में एंड साथ में आप ध्यान से देखिए क्या है थाइल इथाइल मिथाइल मिथ ओ ओके ट्राई करिए इसको पॉज करके हमसे बोला गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होना ठीक है करें फिर सॉल्व देखो ध्यान से पहली बात, क्या इसमें एस आई आर इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा ठीक है पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए एस आई आर नहीं लगेगा भाई साहब क्यों नहीं लगेगा बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो ये एन एच टू है ना इसमें एस आई आर नहीं लग रहा है तो मेरे भाई ये रेजोनेंस में है रेजोनेंस में है एंड एनओ टू कौन सा इफेक्ट लगा देगा माइनस एम एंड माइनस आई लगा देगा अगर मैं बात करता हूं बी वाले में तो बी वाले में तो एस लग रहा है बिकॉज एनओ टू तो बल्क है जब एस आई लगेगा तो ये सिर्फ माइनस आई दिखा पाएगा सी वाले में सी क्या होता है सी आपको बताया भी गया था पहले भी वो एक लीनियर स्पीशीज है तो यहां पे कोई एस नहीं लगेगा इसका मतलब ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइनस एम माइनस आई दिखा पाएगा एंड जो लास्ट वाला है यहाँ पे एस आई आर लगेगा देखो ध्यान से देखो कितना मजेदार है एस आई आर लग गया तो ये जो ग्रुप है वो चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया तो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन गया इसका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा ठीक है बाकी सभी लोन पेयर्स रेजोनेंस में हैं लेकिन वो तो नहीं है तो वो जल्दी तरीके से बाहर दे पाएगा तो करेक्ट आंसर बन जाएगा डी मतलब मैक्सिमम बन जाएगा डी अब अगर मैं बात करता हूं बिटवीन ए बी एंड सी तो कौन सा ज्यादा होना चाहिए देखो माइनस एम माइनस आई लग रहा है मतलब लोन पेयर को खींचा जा रहा है यहां पर सिर्फ माइनस आई यहां पे सिर्फ माइनस एम माइनस आई तो बन जाएगा बी ना मजेदार है एंड सी में क्या हो जाएगा दोनों जगह माइनस एम माइनस आई है लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो लोन पेयर है यहां पर जो लोन पेयर है वो इस वाली पोजीशन पे नहीं आ पाएगी इस वाली पोजीशन बोलने, आपको याद है ना ऑर्थो एंड पैरा पे रेजोनेंस हो रहा था ऑर्थो एंड पैरा पे रेजोनेंस हो रहा था ठीक है तो ये वाली लोन पेयर जब माइनस मतलब जब रेजोनेंस करेगी तो माइनस इधर आएगा एंड माइनस इधर भी आएगा अब जो दोनों माइनस है रेजोनेंस के टाइम पे वो बनेंगे अनस्टेबल एक तरीका है कॉन्जुगेट बेस से देखने का सॉरी कॉन्जुगेट एसिड से देखने का एक तरीका आपके पास ये है कि आप लोन पेयर की टेंडेंसी से देख लो लोन पेयर की टेंडेंसी से देख लो तो जब माइनस यहां आएगा फिर यहां आएगा फिर यहां आएगा रेजोनेंस के टाइम यहां आएगा इधर आएगा इधर आएगा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली दोनों में सेम लग रहा है तो फिर कैसे हम लोग इसमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कौन जल्दी बाहर देगा अरे भाई ये देखो ना मैंने इतना जानबूझ के इसलिए लंबा किया बिकॉज आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही होगी कि भाई साहब यहां पे तो बगल में है जानबूझ के देखो एंड यहाँ पे तो दूर में है तो जब बगल में होगा तो जल्दी प्लस आई देगा मेरे भाई लीजोमेरिक डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस सॉरी ओवर इंडक्टिव इफेक्ट कितनी बार बताया है इसलिए हमें इनके हिसाब से सोचना पड़ेगा दोनों में माइनस एम अप्रोक्सीमेटली सेम है लेकिन यहां पे आपको समझ आ रहा है कि माइनस आई ऑफ जो एनओ टू हो जाएगा दैट इज मच बेटर देन ठीक है एंड ऊपर से माइनस एम भी बेटर होगा बिकॉज रेजोनेंस करवा के आप देख सकते हो प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों प्रेजेंट है न्यूट्रल है इसलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज सी इज मोर देन आ गया समझ इंडक्टिव इफेक्ट को यहाँ पे मत देना प्रेफरेंस है तो आपको एक तरीके से मैं सोचना वो बता रहा था ताकि आप उसमें अटको एंड फिर जब आप अटकोगे तो गलती करोगे गलती करोगे तो फिर उसको नोट्स में स्टार मार्क करके लिखना है हमेशा की तरह ओके नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमें ये दिया गया है साथ में अमोनिया दिया गया है साथ में आ, क्या बोलते हैं यहां पे है cf3 cf3 एफ थ्री ध्यान से देखिए सी एफ थ्री है ये सी एच थ्री नहीं है सी एफ थ्री है ये सी एच थ्री नहीं है एंड साथ में ये ट्राई मिथाइल ट्राई करिए इसको पॉज करके क्या होना चाहिए ट्राई करिए इसको पॉज करके डिस्कस करें फिर पहली बात जो आंसर होगा वो क्या होगा वो बता देता हूं आंसर हो जाएगा A D B एंड C A D B एंड C वंस अगेन स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी टू डिफरेंट चीज़ें हैं एंड किसी ने अगर ये सोचा कि यहाँ पे ब्रिज हेड पे एग्जिस्ट नहीं करेगा प्लस चार्ज वो सोचे तो पहले कांटा मान लो कि गलत किया आपने ठीक है बिकॉज वो एग्जिस्ट करेगा ओके ए डी बी सी है हमारे पास सही आंसर लॉजिक क्या है वो समझते ध्यान से देखिए प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान से देखना ये तो हमें समझ आ रहा है कि प्लस सही इधर भी तीन ग्रुप्स का है इधर भी तीन ग्रुप्स का है देखो इन दोनों में तो कंपटीशन है ही नहीं बल्कि इसकी जो बेसिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू जीरो मतलब इसकी डोनेशन टेंडेंसी इज इक्वल टू जीरो पीटर साइक्स में लिखा गया है ये या पीटर साइक्स में लिखा है इज इक्वल टू जीरो बिकॉज अगर आपको याद होगा जो सी एफ थ्री है वो इतना खतरनाक माइनस आई लगाता है कि वो फ्लोरिन से भी खतरनाक है इतना खतरनाक उसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा होता है आ गया समझ इसलिए पे इसकी इसलिएीरो इस इफेक्ट तो इस को मैं बोलता हूं जलेबी इफेक्ट वाह कलर भी वो आगे जलेबी वाला इसको मेरे भाई हम लोग बोलते हैं जलेबी इफेक्ट जलेबी इफेक्ट ठीक है अच्छा इसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं पहली बात शुगर इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी मत करिए आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ ग्लो ग्लो तो आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल तो शुगर कट कर दिए है मैंने पिछले तीस दिनों से ठीक तो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बाकी तो अभी चल ही रहा है काम बॉडी के ऊपर ओके ध्यान से देखिए तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जलेबी इफेक्ट क्या होता है तो जैसे जैसे हलवाई है तो जो एक पाउच जैसा होता है ना उससे ऐसे वो करेगा दबाएगा फिर नीचे जलेबियां बनेंगी वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है इस नाइट्रोजन के ऊपर ऊपर से बहुत प्रेशर लग रहा है ऐसे पकड़ के बैठे हम उसको समझ आ है ऐसे उसको पकड़ के रखा है हमने पकड़ के रखा है जब हमने इसको पकड़ के रखा होगा और दबाएंगे तो लोन पैर बड़ी जल्दी तरीके से गिरेगी समझ आ रहा है मतलब ये विद प्रेशर है ये विदाउट प्रेशर है ना बिकॉज उसको हमने बांधा नहीं है वो फ्री है फ्री है तो फिर वो जितना ग्रेविटी होगा उसके हिसाब से ही गिरेगा जितना गिरना चाहिए लेकिन यहाँ पे हमने पकड़ के रखे ऐसे कस के जब हम दबाएंगे तो लोन पे जल्दी गिरेगी इसलिए वो वाला ज्यादा अच्छा बेस बन के आ जाएगा ठीक है नंबर जे क्लियर होगा नेक्स्ट नंबर के पे आइए अच्छा पहले पॉज करके लिख लीजिए नेक्स्ट ओके ध्यान से करना है इसको फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है देखो तो आपको एज अ होमवर्क ना हर क्वेश्चन में दोनों तरीके से सोचना है तो बस थिंकिंग आपकी अच्छी बिल्ड हो जाएगी देखो हर बार आंसर लाना सही लाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो तो probability की भी आप सही ला सकते। कुछ ना कुछ ऐसे questions नया क्वेश्चन आया तो ताकि वहां पर ना फंसो अच्छा इसके बाद आपको जेई एडवांस भी पी वाई क्यू करवाते हैं फिर दो हजार वाला अच्छा इसमें बेसिटी क्या बन जाएगा दो तरीके हैं तरीका नंबर वन लोन पेयर कौन जल्दी दे सकता है के ऊपर लोन है, फोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करिए जो मैंने आपके सामने डिराइव किया था परसेंटेज एस कैरेक्टर वाली चीज याद है तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो रहा था ये हो रहा था इसलिए ये बेटर बन के आ जाएगा दूसरी चीज अगर आप ये सोच रहे हो कि जब मैं प्लस बनाऊंगा तो थ्री के ऊपर प्लस बन रहा है तो स्ट्रेन ज़्यादा है इसलिए वो कम स्टेबल होना चाहिए तो वो पहले ही गलत है ठीक है वो गलत आंसर अगर आप वो सोच रहे हो बिकॉज मैंने वो पहले भी क्लियर किया था कि अगर वैसा होता तो फिर माइनस में उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे आ रहा है वहाँ पर भी तो सेम आना चाहिए था याद आया नहीं आया ठीक है तो ये एक्चुअली डिराइव होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जहाँ पे डी सी बी एंड ए जो पुराने नोट्स में डिराइव्ड आपके सी यूट्यूब की सीट में वो मिल जाएगा अच्छा नेक्स्ट आइए जे ई एडवांस्ड दो हजार बीस द मोस्ट डिफिकल्ट एडवांस्ड एवर उसका भी द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर पेपर नंबर टू का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा था इलेवन था ऑफिशियल साइट का ही स्क्रीनशॉट है मल्टीपल करेक्ट है पॉज कर लीजिए अभी एंड ट्राई करिए मल्टीपल करेक्ट है पॉज कर लीजिए अभी एंड ट्राई करिए ओके okay, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग हमसे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग फोर कंपाउंड्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वन थ्री फोर देखें फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये लोन पेयर है रेजोनेंस में ये लोन पेयर है रेजोनेंस में ये लोन पेयर बी है रेजोनेंस में भाई ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगी बिकॉज ऑफ द वेरी पॉपुलर एस आई आर इफेक्ट ये सेम क्वेश्चन हम 2016 से पढ़ा रहे हैं ठीक है ये हमारे नोट्स में मिल जाएगा अगर आप हमारे पुराने जहाँ पे पढ़ाते थे वहां के नोट्स देखोगे पुराने 2017, 18, 19, 20 वाले नोट्स में मिल जाएगा पहले के एंड यूट्यूब पे तो वीडियो देख लेना ठीक है कितने क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स से आए सब विद प्रूफ दिखाया आपको अच्छा यहाँ पे एस लग रहा है इसका मतलब क्या है भाई साहब ये जो ग्रुप है वो चला गया आउट ऑफ द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो लोन पे बेस्ट तरीके से यहां पे दे पाएगा तो बीसीडी के ऑर्डर में फोर होना चाहिए था बेस्ट लेकिन वो तो यहां पे नहीं दिया तो हो जाएगा फर्जी आ गया समझ देखो कितना मजेदार अच्छा द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी के भी डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू इज मोर देन बिटवीन थ्री एंड फोर इन दोनों का पी के भी देखने का है इन दोनों का पी के भी देखने का है देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो क्या बेसिसिटी में ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं क्यों सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस तो जरूर होगा दोनों में बिकॉज टू इज मोर देन वन ये तो समझ आ रहा है लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा बिकॉज सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे डिफरेंस आ रहा है जैसे अगर आप यहां पे देखो तो ये वाली लोन पे लिटरली रेजोनेंस में है जहां पे इतना खतरनाक माइनस एम माइनस आई लग रहा है इसकी बेसिसिटी तो अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी तो गंदा बेस है ये लेकिन यहां पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है रेजोनेंस तो, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा अगर मैं इसकी वैल्यू बोलता हूं दस तो शायद ये ग्यारह हो मतलब सोचने के लिए सोचने के लिए ऐसे रैंडम वैल्यू दे रहा हूं अगर मेरे भाई इसकी वैल्यू मैं लेता हूं इस वाले की फॉर एग्जाम्पल एडमी से फाइव तो इसकी कितनी हो जाएगी बहुत 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 गुना हो जाएगी तो चालीस मान लेते हैं सोचने के लिए है ये ऐसा मत लेना ले ले ले, लिटरली ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंस आपके पास गलत है बिकॉज रेजोनेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डिफरेंस आ रहा है जो so, नेग्लिजिबल होता है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थ्री देन इन फोर सी बात है बिकॉज थ्री माइनस एम माइनस आई है ये तो आपको बता ही दिया टेरिक इफेक्ट मेक्स ये बिल्कुल सही बात है करेक्ट आंसर बन जाएगा सी एंड अगर आपने ये सही किया है तो वेरी गुड आपने ये किया है तो वेरी गुड ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा जे के एल नेक्स्ट नंबर एम पे आइए एल एम ध्यान से करना भाई ये वाला क्वेश्चन मैं फिट कर रहा हूँ आ सकता है फ्यूचर बिकॉज ब्रेड्स रूल का के साथ अभी तक मिक्सचर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा तो क्या आए ही नहीं एडवांस ये है साथ में गया, गया है तो चीज़ भी आपकी रिवाइज हो जाएगी सोच लीजिए इसको ए बी सी एन डी बेस्ट बेसिसिटी किसकी होनी चाहिए ये हमसे पूछा गया है करें सॉल्व करें सॉल्व देखिए अगर हम नंबर वन की बात करें क्या ये कंपाउंड पहले बात करते हैं कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा वो करेगा ये सब फालतूरी अपनी आपको फंसना चाहिए क्या ये रेजोनेंस में होगा नहीं मेरे भाई ये रेजोनेंस में नहीं होगा ये समझ आ रहा है अगर मैं बात करता हूं इस लोन पेयर की लेकिन इसका माइनस आई माइनस आई लगेगा ना ये चीज भी लिख देते हैं अच्छा ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है इंडक्टिव जलेबी इफेक्ट बता दिया आपको तो बहुत खतरनाक तरीके से दे रहा है

इसलिए जो इसमें बन जाएगा बेस्ट वो बन जाएगा बी अब अगर मैं बात कर लू रेजोनेंस इंडक्टिव एंड सिर्फ एक माइनस आई वो भी इतना दूर से बन जाएगा डी ए तो दो कार्बन देख के गलत आंसर मत मार देना भाई फ्लो फ्लो में ठीक है देख लीजिए पॉज करके नेक्स्ट नंबर एन पे आइए फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन या याद आया ये भी करवा देते हैं आपको इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं ना एक फ्लो ही बन चुका कि कब कब क्या सब याद बिल्कुल दिमाग में गुड लेकिन ध्यान से करना ये है एन एच टू साथ एम बेसिडी ऑर्डर क्या होना चाहिए इनके अंदर तो और भी डाल सकते थी चलो ठीक है इतना काफी अभी करिए ट्राई करिए ट्राई आइए फिर डिस्कस करें फिर इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे भाई रेजोनेंस हो रहा है क्या मैंने ये डाल दिया ना अगर मैं ये नहीं भी डालता जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनएच टू ही होता तो क्या हो जाता वो तो भी जो आंसर अब बनने वाला है वही बनेगा बिकॉज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली बात हो जाएगी अगर त मैं एनएच टू भी लेता हूँ पहली बात आंसर क्या वो लिख देता हूं आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा बेस्ट विल बी सी नॉट सी ए बी अगर मैं NH2 भी लेता हूं यहां तो ए अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है क्वालिटी ध्यान से देखिए क्वालिटी है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाला सिनेरियो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाला सिनेरियो इसलिए मैं नोट्स नहीं देता हूं आपको बिकॉज मैं नोट्स दूंगा तो आपको इतना ही दिखाई देगा जो मैंने ओरली बोला कि एन एच टू होता वो सब मिस हो जाता ठीक इसलिए मैं बोलता हूँ साथ में नोट्स बनाओ ये चीज समझो आप अच्छा यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस में नहीं है तो सी बी ए इस करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा सिंपल सा क्वालिटी वर्सेज क्वान्टिटी का एप्लीकेशन ठीक है आई होप सभी को क्लियर हो हो गया है ये ओके okay भाई साहब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए हाउ मेनी नाइट्रोजन्स हाउ मैनी नाइट्रोजन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया हाउ मैनी नाइट्रोजन्स आर मोर बेसिक देन नाइट्रोजन आर मोर बेसिक देन अमोनिया ठीक है करें सॉल्व ध्यान से सोच लीजिए पॉज करके ऑब्वियसली ट्राई कर, कर लिए देखिए ध्यान से देखिए ये तो आपको दिख रहा है ना ग्वाना डेरिवेटिव ये लोन पेयर रेजोनेंस ये लोन पेयर रेजोनेंस ये तो फर्जी हो गई लेकिन ये बेस्ट बन जाएगा तो अभी के लिए हमें एक मिल गया ये ग्वानाडिन डेरिवेटिव आंख बंद करके ये एस टू है तो फर्जी है ये लोन पेयर रेजोनेंस में है इसलिए अमोनिया से बेटर नहीं बन पाएगी एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस ये तो वन ऑफ द वर्स्ट बेसिस बन के आ जाएगा ये लोन पेयर रेजोनेंस में है नहीं होगी ये लोन पेयर के ऊपर लग रहा है मेरे भाई जलेबी इफेक्ट बिल्कुल होगी कर लेते हैं इसे टिक सेम चीज यहाँ पे तीन ग्रुप्स का प्लस सही लग रहा है बिल्कुल सही है ये तो वर्स्ट क्यों बिकॉज क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी रेजोनेंस की तो ये तो ज्यादा रेजोनेंस करना चाहेगा परसेंटेज में तो गलत हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या बन के आ जाएगा इसका अगर आपने थ्री निकाला है तो बिल्कुल सही आंसर है लीजिए पॉज करके आइए एक और एडवांस का पीवाई क्यों करवाते हैं आपको नंबर पी क्वेश्चन नंबर पी क्वेश्चन कौन से साल का है क्या है बता देता हूं ये आपके पास है जेई एडवांस 2017 का पी वाई क्यू एंड कौन से पेपर का है वो भी पेपर टू का है ठीक है ट्राई करिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज The correct order of basicity among the following compounds is, ठीक है डिस्कस करें फिर पॉज कर लीजिए पहले तो आप कॉल करने के लिए ठीक है आइए अब डिस्कस भी कर लेते हैं ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है ये उनकी साइट से ये ग्वानिटी डेरिवेटिव नहीं है किसी को लग रहा है दिस इज नॉट अ ग्वानिटी डेरिवेटिव, ठीक है लेकिन ये लोन पे रेजोनेंस में है इसको देरी है तो ये इसके लिए मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होगा पहले मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन को डिसाइड कर लेते हैं कि एक्चुअल है किसके बीच यहाँ पे ये इसको दे रहा है तो ये कॉम्पिटिशन में आएगा आएगा बिकॉज ये ये रेजोनेंस में है यहां पे ये नहीं आएगा। अभी तो बताया ना भाई कितनी बार तो बता दिए ये जरूर आएगा कॉम्पिटिशन में ये है कॉम्पिटिशन में ये है यहाँ पे कॉम्पिटिशन में ये है अच्छा आंख बंद करके ग्वानिटीन दिखा ग्वानिटी डेरीवेटिव दिखा देखो उसने फंसाने की कोशिश की है आपको

And, आ, one, two, and, आ वो भाई ये तो हमें समझ गया कि थ्री लास्ट में four, one and two में होना चाहिए लोगों को डाउट हो सकता है भाई रिंग रिंग में percentage है ना बिकॉज हिडन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बताया तो इतनी बार फोर वन टू फोर सही आंसर फोर वन टू थ्री सही आंसर बन के आ जाएगा ठीक है उन्होंने तो वो ऑप्शन में नहीं दिया जिसमें मैं आपको फंसा रहा हूँ कि फोर टू वन थ्री होता तब और मजा आ सकता था इस वाले क्वेश्चन ओके नंबर क्यू क्वेश्चन आपके पास ये है ए बी एंड सी हमसे बोला गया है इन तीनों के बीच में बेसिसिटी को कंपेयर करिए ठीक है ट्राई करते हैं फिर कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है पहली बात नाइट्रोजन की लोन पेयर हमें दिखाई दे रही है कि सभी इसके आइडेंटिकल ही हैं दोनों में फॉर एग्जांपल मैंने इसको प्रोटोनेट करवा दिया ये कॉन्जिकेट एसिड बन जाएगा इस वाले केस में ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा इधर ये कॉन्जुगेट एसिड बन के आ जाएगा ये आप कहीं पर ओके अगर मैं ध्यान से देखूं, तो हमें क्या समझ आएगा इस वाले कॉन्जुगेट एसिड में हो रही है इंट्रामोलिकुलरेशन हो रही है ठीक है तो ये स्टेबलाइज हो रहा होगा ये स्टेबलाइज हो रहा होगा अच्छा सेम चीज यहां पे भी हो रही है इसलिए ये स्टेबलाइज हो रहा होगा इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग के द्वारा देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चिलेशन नहीं हो रहा है कोई भी चिलेशन नहीं हो रहा है इंट्रामोलिकुलर अच्छा ये है क्या ये कुछ भी नहीं है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बता रहा हूँ मैं आपको चिलेशन जो है फैंसी नेम बस चिलेशन बोल दे रहा हूँ मैं ठीक है तो करेक्ट आंसर में आपके पास सी तो हो जाएगा अंत में अब अगर मैं बात करता हूँ बिटवीन ए एंड बी तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि भाई साहब ए में एक दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है ना दोनों रिंग है अभी चिलेशन है अगर तो वो मुड़ेगा तो चिलेशन खत्म हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद नहीं है क्यों बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम बंधा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम बंधा हुआ है जब घूमेगा तो सब साथ में घूमेगा जब घूमेगा तो सब साथ में घूमेगा इसलिए जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बी ए बल्कि जो बी वाला मॉलिक्यूल है उसको हम लोग स्पॉन्ज बेस बोलते हैं जो बी वाला मॉलिक्यूल है मेरे भाई उसको हम लोग स्पॉन्ज बेस भी बोलते हैं स्पॉन्ज बेस भी बोलते हैं अच्छा स्पॉन्ज बेस क्यों बोला जाता है स्पॉन्ज बोलने का मतलब पता है ना आपको स्पॉन्ज ठीक है अगर आप उसको पानी में डालो या उसके ऊपर पानी डालो कितने अच्छे तरीके से वो पानी को ऐसे चूस लेती है ठीक है पानी को ऐसे सडनली सक कर लेती है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है इसलिए इसको स्पॉन्ज बेस बोला जाता है इसको एच प्लस मिलता नहीं है तो बहुत अच्छे तरीके से ये चूस लेता है जो स्पॉन्ज बेस है हमारे पास ठीक है बस इसलिए इसका जो नाम है वो स्पॉन्ज बेस बन के आ जाता है पॉज करके लिख लीजिए नेक्स्ट बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम अभी तक जो भी हमने चीजें देखी वो सब के सब हो रही थी गैसियस मीडियम में और गैसियस मीडियम ही लिखा जाता है हमेशा बाय डिफॉल्ट गैसेस मीडियम ही लिया जाता है के पे। अब हम में देख रहे हैं अब आपको समझ आएगा कि एक्वस और गैसियस होने से फर्क क्या पड़ने वाला है मतलब क्या फर्क पड़ेगा तो अगर मैं ध्यान से देखो बिल्कुल ध्यान से देखना पहली बात मैंने अमोनिया लिया मैंने टी एच थ्री एन एच टू लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल टू डिग्री एंड साथ में फिर थ्री डिग्री लिया अच्छा ये तो सभी को पता होगा ना कि अगर मैं H प्लस के साथ रिएक्ट करूं तो हमारे पास बन जाने चाहिए कॉन्जुगेट एसिड्स तो यहां पे बन जाएगा एन एच फोर प्लस यहां पे सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस एन एच टू प्लस एंड ए प्लस ठीक है बोले कि इसमें नया क्या है ये तो बहुत सिंपल है ठीक है अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए ये तो जो बेटर बेस होना चाहिए था हम अगर ये बोलते हैं बेसिसिटी होनी चाहिए थी दैट शुड बी डी सी ए गलत हो जाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डी सी बी ए आना चाहिए वो अब गलत हो जाएगा जो पहले गैसियस मीडियम में हो रहा था अब बोलेगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले इस स्लाइड को लिख लीजिए पॉज करके लॉजिक बहुत सिंपल है एंड आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपने सुना ही होगा सॉल्वेशन इफेक्ट सॉल्वेशन इफेक्ट सुना है ना अच्छा सॉल्वेशन इफेक्ट है हाइड्रेशन इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है वाटर में ऑब्जर्व किया जाता है तो वाटर के अंदर हम लोग हाइड्रेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं अच्छा इसका मतलब क्या है वो समझते बिल्कुल ध्यान से देखना फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जो हमारे पास है एन एच थ्री प्लस मतलब एन एच फोर प्लस जो पहला मॉलिक्यूल था ना पिछले पेज पे पहला कॉन्चुकेट एसिड एंड सिमिलरली मैं आखिरी कॉन्चुकेट एसिड भी लेना चाह रहा हूँ जो हमारे पास है ट्राई मिथाइल प्लस समझ आ गया तो जब वाटर आएगा अब बिकॉज एक्वस मीडियम है पहले वाटर नहीं था लेकिन अब तो वाटर प्रेजेंट है तो वाटर भी तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए आ रहा होगा ना ऐसे वाटर भी तो इसके अराउंड इकट्ठा हो रहा होगा आप बोलोगे क्यों इसके अराउंड वाटर इकट्ठा हो रहा है ये तो सिंपल लॉजिक है ना वाटर के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर सिंस एक नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंच जाएगा ठीक है इस प्रकार से वो वाटर के पास आ रहा है दूसरे वाले केस में क्या होगा जो मिथाइल है आपको याद होगा एस आई आर के टाइम पे बताया था इनके एलकाल ग्रुप्स के साइजेस बहुत बड़े होते हैं जब इनके साइजेस बहुत बड़े हैं तो क्या ज्यादा वाटर इसको स्टेबलाइज कर पाएगा या कम वाटर इसको कर पाएगा। आया समझ या नहीं आया तो यहाँ पे इसको कम वाटर स्टेबलाइज कर पाएगा बिकॉज इन बैलून्स का साइज बहुत बड़ा है तो कम एन प्लस स्टेबलाइज हो पाएगा इसलिए जैसे हम इनऑर्गेनिक के टाइम पे बोल देते हैं कि जो ईज ऑफ सॉल्वेशन या ईज ऑफ हाइड्रेशन वो हो जाएगा ए इज मोर देन बी वो हो जाएगा ए इज मोर देन बी एंड कब हो पाएगा जब पानी होगा अगर पानी नहीं है तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा ठीक है जैसे हम पहले कर रहे थे वो चलता रहेगा ठीक है तो पानी के टाइम पे सॉल्वेशन हो रहा है हाइड्रेशन हो रहा है लिख लीजिए इसको पॉज करके अब क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ सॉल्वेशन ही सब डोमिनेट करेगा बिल्कुल नहीं ठीक है बिकॉज लॉजिकली समझो अमीन का जो कॉन्जिकेट बेस है उसके भी तो स्टेबिलिटी मैटर करेगी अमीन की भी तो स्टेबिलिटी मैटर करेगी तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं ले रहा हूं अमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो हम पहले तक देख रहे थे वो वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड साथ में सॉल्वेशन एनर्जी अब इस वाली चीज को ना बिल्कुल ध्यान से देखना ठीक है अगर मैं अमीन लेता हूं यहां पे कौन कौन सा अमीन है तो वन डिग्री अमोनिया, वन डिग्री तू डिग्री सॉरी अमोनिया एंड थ्री डिग्री बिल्कुल ध्यान से देखना इस वाले टेबल को इस प्रकार से कोई भी नहीं पढ़ाता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने डिराइव हो जाएगा से. अच्छा ये हमारे पास अमीन है ठीक है बड़ी नहीं होती हुआ। तो ये हमारे पास है चार्ट एक ओके अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किसके पास होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हो जाएगी इसके पास तो उसको मैं बोल देता हूँ इसके पास चार मार्क्स हैं इसके पास तीन मार्क्स हैं दो मार्क्स वन मार्क्स ठीक है अगर मैं सॉल्वेशन एनर्जी की बात करूं तो मैक्सिमम सॉल्वेशन एनर्जी किसके पास होगी वो इसके पास हो जाएगी तो तो मैं चार बोल रहा हूं। तो तीन, दो, एक बेसिकली बस ग्रेडिंग कर रहे हैं मैथमेटिकली बस ग्रेडिंग कर रहे हैं अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया बिकॉज अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सॉल्व नहीं हो रहा है अब सिर्फ सॉल्वेशन एनर्जी से सॉल्व नहीं हो रहा दोनों को मिला के अब जो हमारे पास फंक्शन है वो x एंड y मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये बन आ जाएगा फोर ये बन के आ जाएगा सिक्स ये बन के आ जाएगा सिक्स ये बन के आ जाएगा फोर मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी हो रही होगी अगर मैं ध्यान से देखूं, जब मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमें समझ आ रहा है कि सिक्स वाला मैक्सिमम है फोर वाला मिनिमम है अगर हम इसको लिखना चाहें जिसको लिखवा भी देते हैं वैसे तो आप इसको रटते ही हो मैंने आपको डिराइव भी करके दिखा दिया जैसे फॉर मिथाइल मिथाइल अच्छा कॉम्पिटिशन इज बिटवीन टू सॉरी वन एंड टू मतलब वन डिग्री एंड टू डिग्री तो कौन सा बेटर होगा पानी में पानी में है ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो रही है इसलिए आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के द्वारा टू डिग्री अमीन है दैट इज मोर स्टेबल देन वन डिग्री ये समझ आ गया सभी को सिक्स एंड सिक्स में कैसे कंपेयर किया है अब फोर एंड फोर में कैसे कंपेयर हो जाएगा नॉर्मल सा अमीन कुछ भी नहीं है लायक इसके पास तीन तीन ग्रुप बैठे हैं देने के लिए इसलिए फोर वर्सेस फोर में नीचे वाला आपके पास जी थ्री डिग्री एंड अमोनिया तो भाई जो आप याद करते थे मैंने आपके सामने ड्राइव भी कर दिया टू डिग्री इज मोर इज इज अ बेटर बेस देन वन डिग्री देन थ्री डिग्री इन वाटर इन वाटर इसके पीछे का रीजन क्या है रीजन यही है कि जब हम एक्वस मीडियम लेते हैं एक्वस मीडियम लेते हैं मेरे भाई जो बेसिसिटी होती है वो सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फंक्शन नहीं है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड सॉल्वेशन एनर्जी दोनों का फंक्शन बन के आ रही है अब वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है ठीक है अच्छा नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अब सोचो लॉजिकली लॉजिकली ये तो हमने ले लिया जब हमारे पास मिथाइल वाले केसेस हो मतलब अगर मैं यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं इंक्रीज करने लग पड़ूल पेंटाइल हेप्टाइल ये सब तो क्या आपको समझ आ रहा है तब सभी में सॉल्वेशन एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी क्या को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये इसलिए हो रहा है सोल्वेशन एनर्जी इसलिए नेग्लिजिबल हो रही है बिकॉज ऑलरेडी बहुत क्राउडिंग प्रेजेंट है तो मेरे भाई जब ऑलरेडी बहुत क्राउडिंग प्रेजेंट होगी तो पानी आएगा कहां से तो लिख लीजिए इन द केस ऑफ हाइयर कार्बन अमीन्स इन द केस ऑफ हायअर carbon amines in the case of higher carbon amines there is a negligible effect negligible effect negligible effect of the solvation energy in the case of higher carbon amines there is a negligible effect of solvation energy because of very ई क्राउडिंग बिकॉज ऑफ वेरी हाई क्राउडिंग ठीक है तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं बिकॉज हर चीज आप थियर डिराइव भी नहीं कर सकते हो ना बिकॉज ये ऑब्वियस बात है एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं तो अगर मैं बात करता हूँ इथाइल अमींस के बारे में इथाइल मतलब अगर मैं यहाँ पे सी एच लगा रहा हूँ सिमिलरली इधर भी इधर भी तो वहां पे क्या हो जाएगा तो वहां पे एक्चुअली हमारे पास बन जाता है टू डिग्री अब थोड़ा सा सॉल्वेशन नेगलिजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा तो वन वर्सेस थ्री में थ्री जीत जाएगा मैंने तो इसको ऐसे याद किया था बिकॉज हमारे टीचर ने तो ये लॉजिक बताया नहीं था तो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे मैथ्स वाला लॉजिक बताया टू वन थ्री टू थ्री वन ठीक है मैंने तो ऐसे याद किया था टू वन थ्री टू थ्री वन सिंपल ठीक है तो ये आपके पास बन के आ जाएगा लिख लीजिए इसको पॉज करके लिख लीजिए इसको पॉज कर के मेरे भाई आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ठीक तो है इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज लिटरली है दो चीजें क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता नंबर हो जाएगा आर आज के लिए आइए नंबर आर क्वेश्चन करिए ट्राई नंबर आर क्वेश्चन रहेगा ये आज के लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए हमसे बोला गया है विच ऑफ़ द साइट्स मतलब ए बी सी डी ई पांच साइट्स आपको दी गई हैं एंड हमसे बोला गया है कि किस किस साइट पे प्रोटोनेशन फेवरेबल होगा मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो पूछना चाह रहा है कौन सी साइट बेटर बेस बन के आ जाएगी अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको ठीक है मैं लिख देता हूँ एक चीज होती है ट्रिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन को बोलते हैं एस आई पी

तो ए पी सी एंड ई हमारे पास करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर एस क्वेश्चन पे आइए ध्यान से देख लीजिए ए बी सी डी चार आपके पास क्वेश्चन हैं, हमसे क्या बोला गया है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ पी के बी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ पी के बी पी के बी बोला है के बी नहीं बोला है के ए नहीं बोला है पी के ए नहीं बोला है अच्छा सबसे पहले अगर के बी को ही कंपेयर कर लूँ तो क्या वो फायदेमंद नहीं रहेगा बिल्कुल फायदेमंद रहेगा देखो वाले में भाई सब ध्यान से, ये तो इसको लिटरली दे रहा है लिटरली दे रहा है ये दिखा रहा है प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे माइनस आई आपको पता ही है फ्लोरिन का थोड़ा सा ज्यादा रहता है वो NO2 टू माइनस एम माइनस आई एंड इस वाले में प्लस एच प्लस देखो सब जीओसी में देखो इवन जीओसी के बाद भी सब जीओसी रहने वाला है तो सब मिक्स होके ही आपके पास एक्चुअली नई चीजें बनती हैं तो अच्छा के बी किस बेटर होगा प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई ये तो हमें समझ आ रहा है प्लस एच प्लस आई हेलोजेंस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर का लास्ट लाइन जो थी तो केबी जो बनना चाहिए दैट इज बी क्या ए सभी को समझ आ रहा है तो के बी की वैल्यू बननी चाहिए बी डी एंड सी तो मेरे भाई पी केबी की वैल्यू क्या बन जाएगी इसका रिवर्स तो सी ए डी ए आ गया समझ सभी को क्या चल रहा है ठीक है बिकॉज रिवर्स हो जाएगा ना कल प्रूफ क्या था आपके साथ पॉज करके लिख लीजिए नेक्स्ट पी क्यू आर एस के बाद आएगा नंबर टी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ पी के बी यह क्वेश्चन रहेगा आपके कमेंट सेक्शन के लिए ध्यान से यह आपको कमेंट्स में आंसर देने का है आंसर लिख देना क्या आंसर आ रहा है पॉज करके लिख लीजिए पहले आइए नंबर यू कंपेर द ऑर्डर ऑफ बेसिटी लाइक कर देना भाई बिना बोले लाइक कर दिया करो कंपेयर देश हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का तो यह है ए बी सी टी एंड ध्यान से देखिए रेजोनेस में नहीं है रेजोनेंस में नहीं है लेकिन एस पी टू है रेजोनेस में नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस आई लग रहा है इसका भयंकर तो रेजोनेस में है ठीक है तो बेस्ट बेस क्या बन के आ जाएगा बेस्ट हमारे पास बन के आ जाएगा ए देन देन बी अब डी एंड ई में बेटर बन जाएगा ई देन बी आगे समझ तो इसी के साथ हमारा बेसिसी वाला पार्ट भी एंड हो जाता है ठीक है आई होप सभी को क्लियर हो कि क्या करवाया गया आपको बहुत सिंपल था लॉजिक लगाना है सही आंसर लाना ठीक है प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगले लेक्चर में टॉटोमाइजम कंप्लीट होते हमारा जीओ सी भी कंप्लीट हो जाएगा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल दी बेस्ट एवरी वन जय हिंद